दिखाई दे रहा है वो खाली होगा, उसके बाद हम लोग का बोर्ड का नंबर आएगा। तो सबसे हम लोग क्या करेंगे, बोर्ड पर ही बैठा देंगे। तो काफ़ी मज़ा आ रहा भाई, बिल्कुल समुंदर के बीच में अभी हम लोग करने ब्लॉग। कैमरा एक्शन। हे गाइस, एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज का वीडियो भाई काफी मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं कहाँ पे, एक 350 साल पुराना किला जिस किला का नाम है जंजीरा फोर्ट। तो काफी इंटरेस्ट के साथ हम लोग वहाँ जाएंगे और काफी मजा भी आने वाला आप लोग को भी। समुन्द्र के अंदर है, समुन्द्र के अंदर है बिल्कुल। यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर हम लोग बाइक कार जाना पड़ेगा, उसके बाद जो है वहाँ से हम लोग नाव लेंगे ना, फेरी लेंगे, फेरी बोट से हम लोग वहाँ जाने वाले किला, जो किला समुन्द्र तट से लगभग 90 फीट ऊंचा है और 20 फीट नीचे उसका नींव है। तो वीडियो में भाई काफी मजा आने वाला है, तो बने रहिए वीडियो में। यहाँ देख सकते हैं कि हम लोग का कार यहाँ से निकल रहा है, अब इस कार पे बैठने वाले हैं भरत भैया और यहाँ पे भूषण भैया ड्राइव कर रहे हैं। तो दोनों कार यहाँ से निकलेगा कुछ ही देर में। तो फिलहाल भाई अभी हम आज इस कार पे बैठने वाले हैं, होंडा सिटी पे, ठीक है, भरत भैया के साथ। तो भरत भैया चश्मा चेंज कर रहे हैं, देख सकते हो न्यू लुक, वाह। तो फाइनली गाइज हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और भरत भैया ड्राइव कर रहे हैं, हम बैठ के मजा ले रहे हैं और पीछे भी मजा ले रहे हैं भाई। yes, आप लोग का सब सही है ना? कितने बजे आप लोग? 2 बजे रात में सोए हो ना? नहीं नहीं, मैं तो जल्दी सो गया। सो गया था आप? नहीं, सोने वाले दूसरी गाड़ी में, दूसरी गाड़ी में डेटा में। ओके, काफी मजा आएगा वहाँ पे बिल्कुल। और वो फोर्ट की खासियत ये है कि वो जमाने में, नहीं नहीं अभी मत बताना, अभी मत बताओ, बताने से सारा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, व्यूअर्स लोग चला जाएंगे, सस्पेंस में रखना पड़ेगा ना, सस्पेंस में। अगर अभी सारा कुछ एक्सप्लोर कर दोगे तो बात है उसमें। हाँ, वो जैसे कि जैसे ही हम लोग जाएंगे वैसे ही हम लोग बताने वाले हैं, ठीक है। अब साइकिल, अगर 8 बजे जाती थी ना तो चल जाता था, 3 घंटा जाने वाला इधर। उधर है क्या आगे? तो वहाँ पे यहाँ खड़ी, जल्दी जाना पड़ेगा आपको, इसके लिए भगा रहा था। गाइस हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, अब यहाँ से बोट लेने वाले हैं। तो यहाँ पे फिलहाल अभी पार्किंग हम लोग आएंगे अपने कार को। तो फाइनली गाइस हम लोग बीच के पास पहुँच चुके हैं, तो दिखाते हैं आपको बीच। यहाँ से हम लोग लेने वाले हैं फेरी, तो ये रहा बीच, ठीक है। देखिए कितना प्यारा सा लुक है, काफ़ी ज़्यादा बोट भी इधर, तो शायद हम लोग को वहाँ पे ले जाया जाएगा बीच पे, जंजीरा फोर्ट। तो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे टिकट ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ से टिकट लेना पड़ता है, 180 का टिकट है। तो देखते हैं क्या, हमारे अंकित भाई वीडियो कॉल कर रहे हैं। अंकित भाई कैसे हो? बढ़िया भाई, बढ़िया। और यहाँ पड़ेगा फेरी, पूरा खाली है बोल रहे हैं, बताया जा रहा है अंकल, बोल रहे कि पूरा खाली, जल्दी जाओ। तो चले जल्दी चलते हैं, अदरवाइज चला जाएगा सिप। देख सकते हैं ये सिप फेरी बोलते हैं यहाँ पे लोग। कैसा रहा जर्नी कुशाग्र भाई आपका? ये अंकुश भाई, अब फील आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा गर्मी दे रहा है। आप ही नहाएंगे ना इसमें? नहाएंगे। अरे हवा चल रहा है ना, यहाँ तो मस्त ठंडा ठंडा होगा, विदाउट एसी भी आप मजा ले सकते हैं आप। फाइनली गाइस हम लोग फेरी के पास पहुँच गए हैं, अब ये फेरी हम लोग लेने वाले हैं यहाँ से, ठीक है। चला सकते हो क्या? नहीं भाई, चला तो नहीं सकते हो शायद। ए भाई, ए वाह, ऊपर बैठो, ऊपर ऊपर बैठेगा। चले भाई, अपना नंबर है, ये इंजन, चलो 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 चलो। मैं भी थोड़ा उड़िया, ये सॉरी, मैं भी थोड़ा लगता है महाराष्ट्र का लैंग्वेज सीख गया हूँ, ऐसा लग रहा है मेरे को। चला चला चला,
वेरी गुड। एंड फाइनली गाइस हम लोग का फेरी जो है स्टार्ट हो चुका है, जस्ट मेरे पीछे इंजन है इसका, देख सकते हैं आप लोग। तो अब यहाँ से कुछ ही देर में निकलने वाला है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारे भैया जी सारे बैठे हुए हैं। तो हम लोग क्या बोलते हैं भैया जी और हम वहाँ पे बैठ गए थे, फिर हम लोग सीट को एक्सचेंज किया क्योंकि मेरे को लग रहा था कि हम लोग दो एक साइड हो गए हैं, बिल्कुल टूर पे मज़ा नहीं आने वाला है। तो जस्ट अब यहाँ से बोट निकल रहा है फेरी, और वो बोट देख सकते हैं जिसमें कार वगैरह बस भी जा रहा है उसमें, ठीक है वो आपको दिखाता हूँ। भैया बोट भी काफी स्पीड चल रहा है। फाइनली गाइस हम यहाँ पे छत पे जाने वाले हैं, इसके लिए अलग से चार्ज देना पड़ेगा, तो हम लोग देने के लिए रेडी हैं, है कि नहीं? तो भरत भैया जी आप जा रहे हैं ऊपर? हम दोनों ही जा रहे हैं। आप जा रहे हैं ना? आप जा रहे हो? मैं यही रुकूंगा। यही रुकोगा? आप जा रहे हो? चलो ऊपर चलते हैं। आपको चलना है? आपको चलना है? आपको चलना है क्या गणेश भैया? आपको चलना है ऊपर गणेश भैया? आपको चलना है कि नहीं? आपको चलना है कि नहीं? क्यों नहीं चलना है? चश्मा खोने का डर है। कोई बात नहीं, चलते हम लोग ऊपर। चले बराबर ऊपर जाने का। हाँ आप चलिए ना। तो फाइनली गाइस हम लोग ऊपर जा रहे हैं, भरत भैया ऊपर चल गए हैं, अब मेरा बारी है। यहाँ से हम ऊपर की ओर जाएंगे, यहाँ से देख सकते हैं बिल्कुल मजा कुछ अलग ही लेवल का है। भाई क्या मजा आ रहा है यहाँ से। हेलो गाइस, हाउ आर यू? हेलो भैया। तो गाइस ऊपर में आने के बाद काफी मजा आ रहा है, हमारे सामने एक साइलेंसर लगा हुआ है, ठीक है? तो काफी मजा आ रहा है यहाँ पे। भैया के पास हम जाने वाले यहाँ से, ठीक है? आना है क्या भैया आपको? नहीं, अरे आओ यार। अपने को उधर जाने का ना। और हमारे साथ अभी यहाँ पे भरत भैया बैठे हुए हैं। तो भरत भैया ऊपर में बैठ के कैसा मजा आ रहा है? बढ़िया लग रहा है ना? जाने के लिए पैसा देना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा चार्ज। तब ना आपको स्वर्ग स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग नर्क नहीं मिलेगा, तब स्वर्ग मिलेगा। हाँ हाँ, हालांकि नीचे हो उतना फील मजा नहीं आ रहा जितना ऊपर आके मजा आ रहा है। ये तो पता ले ना। हाँ पता ले। देखो इधर पहाड़ है बहुत सारा। तो काफी मजा आ रहा भाई, बिल्कुल समुंदर के बीच में अभी हम लोग करने ब्लॉग सब्सक्राइब करो और गाइस कि हम लोग बिल्कुल धीरे धीरे अब नज़दीक पहुंच रहे हैं जंजीरा फोर्ट की ओर। हेलो गाइस, ओ चाचा चचा। एंड फाइनली गाइस हम लोग जंजीरा पोर्ट के नज़दीक पहुंच गए हैं। देख सकते हैं ये किला बिल्कुल थोड़ा सा ही दूरी पे है। तो काफ़ी इंजॉय कर रहे हम लोग, पीछे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारी लड़कियाँ भी बैठी हुई हैं, उनको बिल्कुल डर नहीं लग रहा। बट हमारे फ्रेंड्स जो नीचे बैठे हुए हैं उनको शायद काफ़ी डर लग रहा था, तो जिसके कारण वो ऊपर नहीं आए। क्या धूप भी लग रही, धूप भी लग रहा था उनको। बट देख सकते हैं इधर का लुक, ये कौन सा गाँव है? मुरुड गाँव है, मुरुड, इसीलिए इसको मुरुड जंजीरा फोर्ट बोला जाता है। इसको मुरुड राजपुरी गाँव वैसे। हाँ हाँ, तो जैसे तो भाई ये लगभग जो पानी का समुंदर जो है ना, इससे 90 फीट ये ऊंचा है, ठीक है? यहाँ दूर से आपको लग रहा है छोटा, बट 90 फीट ऊंचा है और इसका 20 फीट नीचे इसका गहराई है। तो बिल्कुल हम लोग भाई नज़दीक पहुँच गए हैं। दरवाजा एक ही है ना? एक ही दरवाजा है, एक ही बोट लगता है। अच्छा अच्छा, बोट अपना खाली है,
बैठ के आप लोग उधर जाएगा दरवाजे के बाद। ओके, इसका दरवाजा किधर है? दरवाजा दरवाजा दिखता है, बाजू में जाएगा जब। अच्छा, एकदम अंदर की साइड में अंदर घुमा के जाएगा। हाँ हाँ हाँ, तो अंकल बता रहे कि सर जो बोट दिखाई दे रहा है वो खाली होगा, उसके बाद हम लोग का बोट का नंबर आएगा। तो सबसे हम लोग क्या करेंगे, बोट में ही बैठा देंगे? इसी बोट में ओके 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 चला चला कम यार आने का इधर बाबा फाइनली गाइस हम लोग छोटा वाला बोट पे बैठ चुके हैं और यहाँ से जाने वाले हैं भाई किला पे। आप लोग जिस किले में किला देखने के लिए आ गए उस किले में कोई एक जगह से ना एक जगह से बोट नहीं आता है, यहाँ पे दो तीन जगह से बोट आता है और चढ़ने उतरने के लिए बोट सेम रहता है। एक राजपुरी से आता है, एक खोड़ा बंदर से आता है। ये अपना जो डिगी से आया आप लोग किधर से आ गए? डिगी से आ गया। अपना जो बोट है चढ़ने उतरने के लिए सिर्फ एक ही नाव है, एक ही बोट है, इसलिए अपने बोट का नाम ध्यान में रखने का है। उतरने के बाद, हाँ अभी से नहीं, उतरने के बाद अपने बोट का जो समय जो वक्त होता है टाइम होता है ये पौना घंटे का टाइम होता है, 45 मिनट्स उतरने के बाद, अभी से नहीं। और अपने बोट का नाम है डिगी माड़िया बोट। क्या नाम है? डिगी माड़िया बोट। ये जितना बोट में लोग है सब लोग समझिएगा, गेट पे आने के बाद पूरा किला घूम के आ गए, गेट पे आने के बाद सिर्फ माड़िया के अंदर बैठना है, डिगी माड़िया बोट बोल के बैठना है। ओके, हम लोग यहाँ पे आपका वेट करेगा, यहाँ पे हम लोग इसमें रहेगा वेटिंग में, आप लोग आएगा आपको लेके जाएगा। बराबर समझ गया ना? ओके ओके। अरे यार भाई यहाँ तो आ गए बट यहाँ आने के बाद थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि क्यों आए, इसलिए ऐसा लग रहा है क्योंकि एक एक बड़ा वाला बोट से छोटा वाला बोट में उतारा जाएगा, उसके बाद एक एक बोट का नंबर आता है, वो बोट खाली होगा, फिर ये बोट खाली होगा, फिर ये बोट खाली होगा, फिर वो बोट खाली होगा, उसके बाद भाई हमारे बोट का नंबर आएगा। तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, लगभग आधा से एक घंटा, तो तब तक आपको बोट पे इसी तरह बैठ के इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये डिमेरिट्स है यहाँ के, क्योंकि यहाँ का मेन गेट सिर्फ एक ही है। बेटा वहाँ का 1665 का सिद्धि, लेकिन इसमें किला बने ना ये भगवानी वाला जो 122 बची हुई है, देखिए 122 में से तीन बड़े हैं जिसको नाम दिया हुआ है। एक नंबर पर आप लोग तो देखेंगे उसका नाम कलाड़ बंगली है, सेकंड नंबर पर गायमुख है, और थर्ड नंबर पर तो चौबी है। कलाड़ बंगली का वेट कितना है? 22 टन का। करुणेश ब्लॉग या यूट्यूब में 22 टन है। सबसे क्या गया करुणेश ब्लॉग जो शनिवार से पर्वती के लिए निकलता है। फाइनली गाइस हम लोग पहुंच गए हैं, हमारा बोट का नंबर है यहाँ पे लगेगा, ये बोट में चढ़ रहे हैं खाली बोट का, तो यहाँ से अब हम लोग उतरने वाले हैं। ठीक है, दोबारा आंटी का आंटी दोबारा और नहीं आएगी आंटी दोबारा नहीं आएगी और ना क्या आंटी आएगी? क्या आंटी आएगी? क्या आंटी और आएगी? क्या आंटी नहीं आएगी ना? क्या नाम है? कहाँ से? क्या आपका नाम क्या है? करुणेश ब्लॉग। करुणेश ठीक है, देखेंगे करुणेश ब्लॉग चल रहा है, करुणेश स्पेशल और एक करुणेश ब्लॉग, ये करुणेश ब्लॉग क्या सिंगर है? सिंगर है क्या? आपका कुछ चैनल है क्या यूट्यूब में? मेरा एक चैनल है बस मेरे नाम से ही है। अच्छा, तुषार मेहरा के नाम से देखता हूँ मैं इसमें। आपका क्या करुणेश ब्लॉग? तो अब हम लोग का बोट का नंबर आ गया है, ये बोट निकल गया यहाँ से, देख सकते हैं। तो यहाँ से भाई जैसे ही साइड होगा सबसे पहले छलांग मार के हम जाने वाले हैं, आराम से आराम से आराम से। जूता भींग गया हमारा। हम लोग किला के अंदर आ गए हैं, अब थोड़ा सा इंतजार करते हैं अपने फ्रेंड्स लोग का। इधर भी टिकट लगेगा? अरे यार ये तो पैसा कमाने का तरीका हो गया, टिकट लेना है, इधर भी टिकट लेना पड़ेगा, सब जगह यही हाल है यार। हाँ, यूट्यूब पे करुणेश ब्लॉग।
करुणेश ब्लॉग्स। सारे फ्रेंड आ जाएंगे हमारे, उसके बाद हम लोग निकलेंगे यहाँ से। यहाँ से भी टिकट लेना पड़ेगा, हम लोग टिकट कटा लिए हैं और टिकट कटाने के बाद यहाँ से एंट्री आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आप जा रहे हैं ये किला देखने के लिए। तो बहुत ही पुराना खंडहर लग रहा है मेरे को, ये तो किला लग ही नहीं रहा है। गणेश भैया ये तो लग ही नहीं रहा कि ये किला वगैरह है, लगता है धनबाद का कोई कॉल हो रही है, कोयला निकालने का जगह है। कुआ भी है, कहाँ कुआ है ये ना, समंदर के बीच मीठा पानी, मीठा पानी। इस टेक्नोलॉजी को क्या बोलते हैं बताओ? क्या बोलते हैं देखना पड़ेगा, मोबाइल डाल के देखो अपना, देख लेता हूँ ना अभी पानी है कि नहीं। अरे भाई ये पानी है क्या? चलो चलो चलो, मूड खराब हो गया। उधर है ना पानी, कुछ पानी नहीं यार, झूठ मूठ यार, उधर पानी है। पैसा फंसा के हम लोग यहाँ पे आए हो सिर्फ टाइम पास करने के लिए। जी बालो ना, देख सकते हैं गाइस, बस इसी को लोग देखने के लिए यहाँ पे दूर दूर से आते हैं। पता नहीं क्या है इसके अंदर, पहले लगता कि बहुत अच्छा अच्छा घर होगा यहाँ इसके अंदर, बट अभी सारा टूटा फूटा लग रहा है। ऐसा लगता कि कोई किसी ने पूरा गुस्सा आया होगा किसी को और सारे ब्लास्ट ब्लास्ट करके, मतलब डेना माटी दे के और फूटा फूटा के सब निकल गए यहाँ से। तो जल्दी जल्दी एक बार देख लेते हैं, ग्राउंड मार लेते हैं, अदरवाइज क्या होगा कि हमारा सिर्फ टाइम 45 मिनट का मिला हुआ है, इससे ज़्यादा टाइम हम वेस्ट करेंगे तो हमारा जो है वो बोट नहीं मिल पाएगा फिर से। तो हमारे बोट के लिए दोबारा कहीं और जाना पड़ेगा, फिर 2 से 3 घंटे का वेट करना पड़ेगा, फिर एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। हाँ बोलिए, आप मछलियाँ कहाँ? ये देखो मछलियाँ, जब उनको खाने की कमी। हाँ अरे मछलियाँ पकड़ो पकड़ो, इसको खाई जाती थी भाई, लेता हूँ इसका वीडियो यहाँ भाई। मछलियाँ भैया, अरे क्या बात है, कितना मछलियाँ यार। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं तालाब है, इस तालाब के अंदर बताया जा रहा था कि वहाँ पे मीठा पानी मिलेगा। कैसे बताया कि मीठा पानी एक्चुअली में है कि नहीं है? पानी है करुणेश। हाँ ये पानी आप पी सकते हैं, पी सकते हैं। और आप मतलब हम पी सकते हैं तो आपके, तो हम है ना भाई, हम है तो हम भी तो हम है ना। अरे हम पी सकते, अरे हम पी सकते हैं लेकिन आप क्यों नहीं पी सकते हैं? अरे भाई मैं बोल रहा हूँ हम पी सकते हैं, ट्राई कर लो ना। यहाँ पे सामने है पानी, ये भाई यहाँ से चक के आप देख सकते हो पानी कैसा है, नहीं है ठीक है, चक के देखो क्या। अरे ठीक है यार, मीठा पानी नहीं है ना? नहीं मीठा पानी है, सही बताया है उन्होंने कि बिल्कुल मीठा पानी है, चक के देखे ना बिल्कुल सेम टेस्ट है हमारा अपना उधर। इसमें एक बड़ी बात है, बाहर सब समुद्र का खारा पानी है। हाँ और यहाँ पे मीठा पानी, मीठा पानी, चलिए अच्छा बात है भाई। बहुत बड़ा तालाब है, ये देख सकते हो तालाब, तालाब बड़ा है भाई, ऐसा बात नहीं है छोटा बड़ा तालाब है, सही बात है। वो उन्होंने सही बताया प्रॉपर, ऐसे ही थोड़ी लेते हैं पैसा। वेस्ट नहीं गया भरत भैया, आपको ऐसा नहीं लगता कि बहुत यहाँ बम 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 धड़ाका कुछ हुआ होगा, ये सारे तोड़ फोड़ के रख दिया कुछ? बम धड़ाका तो नहीं लग रहा है, ये तोड़ा गया है। क्यों तो अभी क्या रीजन है? लोगों ने यहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन किया था, क्या कोयले निकल रहे थे क्या? धनबाद वाले गैंग ऑफ वासीपुरी एपिसोड हुआ था क्या? मुगल 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 जब मुगल किया देख सकते हैं, काफी अच्छा है लेकिन यार घर है इसके अंदर ना। अरे वाह क्या मस्त लग रहा है, क्या ला 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 ला। इधर चलना अब, अरे फिर से वही वापस अरे गोल गोल घूम रहे हैं। उधर चलो, वहाँ समुद्र दिखेगा। अच्छा नहीं उनको ऊपर टॉप पर चलना है, चलो चलना जाना। अब भाई हम लोग वहाँ पे टॉप जाने वाले हैं बिल्कुल ऊपर, वहाँ से आप लोग को समुद्र का नज़ारा दिखाएंगे। तो अब भाई हम लोग ऊपर जाने वाले हैं। ऊपर नहीं बाबा, ऊपर नहीं, कितना ऊपर?
बस थोड़ा सा ऊपर जाने वाले हैं, उतना ऊपर अभी टिकट कटा नहीं है भाई ऊपर का, बस इतना ही टिकट हम लोग कटाए हैं जो सीढ़ी चढ़ जहाँ तक है सीढ़ी, ठीक है। अरे भाई क्या नज़ारा है यहाँ से, अरे आओ ना ऊपर यार, यहाँ से मजा है, यहाँ से कुछ अलग लेवल का, यहाँ से देखो तो आगे पैसा वसूल हो जाएगा। अरे भाई ये तो देखा ही नहीं था मैंने, ये हुआ ना भाई कुछ तगड़ा चीज। और भी ऊपर चलने का अब मजा आ रहा ना भाई ऊपर आने के बाद, नीचे तो तब तक थे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था, लग रहा था कि बिल्कुल तोड़ा फोड़ा वाला सीन नजर आ रहा, बट यहाँ से काफी अच्छा लग रहा भाई। और भी ऊपर हम लोग अभी जाने वाले हैं, चढ़ता हूँ जल्दी, चढ़ना टफ है उतरना टफ नहीं है भाई, देख सकते गाइस जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहे हैं वैसे वैसे कुछ अलग ही लेवल का नज़ारा दिख रहा है। हाँ क्या है वो कुछ कुआ, हाँ वो किला, और ऊपर चलना है क्या उसमें, उस पर चलते हैं ना उस पर, हाँ हाँ चलते नहीं वहाँ चलते वहाँ आ रहा वहाँ पे। अरे भाई अब आ रहा मजा, इसके ऊपर भी चले जाते हैं हम लोग। देख सकते हो शरीर कितना हाइट में है, हम लोग ऊपर आ गए हैं। वहाँ से लगभग आए हैं धीरे धीरे, इधर से इधर आए, यहाँ पे एक तालाब है, वहाँ पे एक तालाब है, वो सब क्या पता नहीं मेरे को, ठीक है लग रहा है गेट वगैरह है, तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ से देखने में, बिल्कुल टॉप का मजा दे रहे हैं आपको हम, ठीक है यहाँ से टॉप है, टॉप यहाँ पे ठीक है, ये रहा नज़ारा भाई। फाइनली गाइस हम लोग जहांगीर फोर्ट पूरा घूम लिए हैं, ऊपर गए थे तभी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, बट नीचे ऐसा कुछ है ही नहीं, बिल्कुल खंडर जैसा है, तो अब जाते हैं भाई, हाँ बिल्कुल खंडर ही रहता है ना, इसे क्या है इसे कुछ रहता ही नहीं है, तो ठीक है ऊपर गए थे ऊपर से पूरा सीनरी अच्छा लगा देखने को। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, वीडियो कहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।